शहर की सड़कों पर यातायात व्यवस्थित करने के साथ ही अन्य गतिविधियों पर अपनी पैनी नजर रखने दुर्ग पुलिस अधीक्षक ने शहर का पैदल मार्च किया। वही व्यवस्था बनाए रखने लोगों को समझाइश भी दी। त्योहारी सीजन के चलते शहर की सड़कों पर बेतरतीब खड़े वाहनों के कारण ट्रैफिक व्यवस्था लगातार बाधित होने के साथ ही गणेश पर्व पर दुकान लगाकर देखे जाने वाली प्रतिमाओं की सुरक्षा रखने की हिदायत देने दुर्ग पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव स्वयं अपनी पुलिस टीम के साथ मंगलवार की देर शाम शहर दुर्ग की सड़कों पर पैदल फ्लैग मार्च किया। इसी कड़ी में वे दुर्ग इंदिरा मार्केट होते हुए स्टेशन रोड पुलसायपारा तकियापारा होटल मान होते हुए शहर का भ्रमण किया। साथ ही गणेश पर्व को देखते हुए प्रतिमाएं बेचने लगी दुकान पर पहुंचकर दुकानदार से इसकी सुरक्षा रखने को लेकर मार्गदर्शन दिया। साथ ही बेतरतीब सड़क पर खड़े वाहनों को साइड लगाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर पुलिस विभाग के सभी अधिकारी व थाना प्रभारी मौजूद रहे। इस संबंध में मीडिया के समक्ष दुर्ग पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। पुलिस द्वारा विजिबल पुलिसिंग के अंतर्गत लगातार सुबह और शाम में शहर के अलग अलग कोनों में पुलिस जो है फ्लैग मार्च कर रही है। आज दुर्ग मोहन नगर के जो सरहदी इलाकों हैं वहाँ पे पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च किया गया। जो ट्रैफिक की व्यवस्था थी उसको सुधारने के निर्देश दिए गए। जो लोग बेतरकीब ढंग से रोड पर गाड़ियाँ लगाते थे उनका चालान काटा गया। जो गणेश की मूर्तियाँ बेच रहे थे उनको समझाइश दी गई कि वो रात में उसकी सुरक्षा के लिए वहाँ पर रुकेंगे। जो दुकानें थी उनको दिशा निर्देश दिए गए। दवा के दुकानों का निरीक्षण किया गया। जो मिठाई की दुकानें उनका निरीक्षण किया गया। जो सामने जो त्यौहार आ रहे हैं गणेश पूजा दशहरा दिवाली उसके अंतर्गत जो कॉमनली सेंसिटिव इलाके थे उसका भ्रमण किया गया। जहां पहले इंसिडेंट हुए हैं वहां घूमा गया। आज सुबह से ही जो गणेश समिति थी उनकी त्रिस्तरीय तीन लेवल पर उनकी लगातार सब थाना क्षेत्र में मीटिंग दी गई। तो कहीं ना कहीं इससे हमें उम्मीद है कि शांतिपूर्वक जो है ये सारे जो पर्व हैं वो निकल जाएंगे। पंडालों में CCTV लगाए गए हैं। वहाँ पर जो उनके जो गार्ड्स हैं उनके नंबर लिए गए हैं। वहाँ 24 घंटे जो है हमारी पेट्रोलिंग द्वारा जो है मॉनिटरिंग की जा रही है। वहाँ पर ट्रैफिक की व्यवस्था की जा रही है। वहाँ पे आग ना लग जाए उसके लिए जो है दमकल केंद्र बनाए गए हैं। और जो भी जरूरी सुरक्षा संबंधी समझाइश है वो उनको मिलकर तीन लेवल पे थाना प्रभारी द्वारा SDOP द्वारा और SNSP द्वारा दिए गए। हमारी सिस्टम है उसको दुरुस्त किया गया है। कंट्रोल रूम में लगातार अधिकारी जो है उसको पूरा मॉनिटर कर रहे हैं। एक अलग से अभी स्पेशल कंट्रोल रूम बनाया गया है जहाँ पे पूरे जिले में ट्रैफिक व्यवस्था है उसको मॉनिटर किया जा रहा है। रिजर्व बल जो है IG महोदय द्वारा जो उपलब्ध कराया गया है वो 100 लोगों का रिजर्व बल को जो है सेंसिटिव पॉइंट्स पे लगाए गए हैं। उनको कंटिजेंसी में कहीं भी वो 10 मिनट के अंदर पहुँच जाए ऐसे इंतजाम किए गए। क्योंकि पुलिस अधीक्षक का नंबर और कंट्रोल रूम का नंबर पहले से जो है वो हमने इसको स्प्रेड किया हुआ है। हमारा फेसबुक का पेज है जिसमें कि 1,06,000 मेंबर्स है। जो भी लोग चाहें उससे जुड़ सकते हैं। कोई भी समस्या है तो उसमें पेज पे लिख सकते हैं। पर त्वरित निराकरण किया जाएगा। ग्रैंड एसी न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।